और मरियम जो है आज हमारी तरफ है, नताशा नहीं 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 मरियम हमारी तरफ है, क्यों आपकी तरफ है? ये देखिए ये गलत बात है, एक सेकेंड ये पहले से डिसाइड नहीं हो सकता। लड़के वाले हम हैं और लड़की वाले ये हैं, इनके पास ऑलरेडी कोई कमी नहीं है माशाल्लाह। जल्दी से डिसाइड कर लो कि तुमने अब करना क्या है। नहीं डिसाइड क्या करना, मरियम हमारे साथ है। एक्चुअली में आपकी पार्टी स्ट्रॉन्ग है हाँ, तो आई थिंक अच्छा ये कह देने का मतलब है हार गए। ये assumption आप अभी ना कायम करें। एक सेकेंड उसके जुमले पे गौर करें, उसके जुमले पे गौर करें, उसने कहा आपकी पार्टी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा आप वहाँ पे इतने लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है। चलो कोई नहीं, तुसी केड़ा गार्डर चुकने ने पार्टी। ये देखे मरियम इधर आ गई, मैंने कहा मरियम ये जगह भी आपकी उड़ीक में है और तीन मरले मेरे को भी उड़ीक। अच्छा चलो ये तो हो गए एक मरियम, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। आज हमने लड़के वालों ने अपने आप को बहुत पक्का किया, मजबूत किया। चले देखते हैं क्या तैयारी है आपकी। हमारी बहुत तैयारी है, एक तैयारी तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास तो दिल और कोई काम ही नहीं है। अच्छा बाकी तैयारियां भी तो देखो ना। हाँ वो हम देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और एक मिनट, हमारी आसिया की तैयारी सबसे पहले देखिए। आसिया आइए, आज आसिया की मेहंदी है और आसिया कैसी लग रही है अपनी मेहंदी पे? आसिया बहुत प्यारी लग रही है। कैसी लग रही है समीना जी बेटी? प्यारी लग रही है ना। और कहाँ है आपकी अम्मा जी? आपके सामने बैठी हुई है, अभी मैं सबको बुलाऊंगी। आज आसिया के सारे घर वाले आए हैं, नानी भी आई है, अम्मी भी आई है, सास तो है ही, और कौन कौन आया? अब्बू जाहिर है, बाकी और रिश्तेदार जो है वो भी शामिल हो रहे हैं। जो रिश्तेदार हैं वो सब आए हुए हैं यहाँ पे, और उनको आज हम मेहंदी जब अभी शगुन करना शुरू करेंगे तो उनको भी बुलाएंगे। लेकिन कल सिर्फ लड़की वालों, लड़की थी ना, आज हम अपना लड़का भी लेकर आ रहे हैं। हाँ हाँ क्या बात है। आज हम मैं भी आज हम साजिद भाई को भी लेकर आ रहे हैं। हाँ मैं भी जरा देख लूँ कि मेरे ब्रदर इन लॉ कौन है भाई। ओके सो चले ब्रदर इन लॉ को लेकर आते हैं ताकि आप सब देख सकें कि साजिद भाई जिनका आसिया के साथ हो रही है शादी, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रस्म हिना इनकी। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप साजिद भाई को भी देख सकेंगे और लड़की वालों की तैयारी भी। शामदीद, आप ढोल की आवाज सुन रहे हैं शायद, क्योंकि लड़का साजिद भाई जो है वो भी आज रस्म हिना में शामिल हैं। आज आसिया की और साजिद भाई की रस्म हिना है भाई। जी बिल्कुल। लड़की वालों जी जी, लड़के का दीदार हम कराने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, मगर मुफ्त में नहीं होगा। अच्छा हाँ, पैसे निकालने पड़ेंगे? नहीं पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे, तैयारी। अरे नहीं 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 ये नहीं आज मिल सकता क्योंकि इसमें बहुत सारा मालूम होता है। अच्छा हाँ, आज का सारा जो हमारा जो ग्रैंड कैश है ना वो नहीं, लेकिन ये वाली जो आप जो रस्म बता रही हैं कि मुफ्त में लड़के का मुंह नहीं देख सकते और ये वो, ये तो लड़के वाले करते हैं। हमारी बहन की शक्ल वो तब तक नहीं देखेगा जब तक वो यहाँ पे 10,000 रुपए उसके हाथ में नहीं रखेगा। अच्छा जी जी, अभी एक सेकेंड, मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं थी। मेरे दिमाग में ये बात डालने वाला कौन है? कौन? फरा। नहीं मुफ्त में नहीं होगा, तो मुफ्त में कुछ नहीं होगा, मुफ्त में कुछ नहीं होगा, 10,000 रुपए हाथ में रखेंगे। मरियम एक मिनट, हाँ मेहंदी नहीं, कम ऑन एक सेकेंड। अभी इन्होंने कहा कि लड़का जब आएगा, दूल्हा जब आएगा तो वो मुफ्त में नहीं आएगा। अरे अब वो इसकी शक्ल तो देखेगा ना। वही उसके मतलब है कि आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, जो आप हमें पहले ही कही जा रही है कि आप हार गए, आप हार गए, हम तो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा लेकिन हम तो अपनी बात पे पक्के हैं, जब तक वो 10,000 रुपए उसके हाथ में नहीं रखेगा हम शक्ल नहीं दिखाएंगे भाई। क्यों भाई? हाँ भाई आप लोग तय तो कर लो किसके साथ हो, लड़की के साथ लड़के के साथ? लड़की 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 किसके साथ हो? नताशा नताशा बोलो नताशा। अरे देख के मेरा नाम ले लो जल्दी से, बुलाती हूँ। नहीं नहीं ये बात अच्छी नहीं है, ऐसे ही होता है, लड़की को लड़के ने लेके जाना है। सो देख लो, सो मैं बुलाऊंगी यहाँ पे आज साजिद भाई को। पहले देख लो साजिद भाई को हम बुलाने वाले हैं जिनकी कि आज रस्म हिना है आसिया के साथ। अभी आप 10,000 की बात कर रही थी, 10,000 नहीं, 10,000 की बात नहीं है। अब बताओ तुम लोग कितने तैयार हो? अब बताओ किसके साथ हो, लड़की वालों के साथ लड़के वालों के साथ? अच्छा चलो लड़की वालों के साथ। गुड गुड गुड।
चलो फिर आओ। एक बात बताओ ना, लड़के वालों को कभी भी लाइट नहीं लेना है? हाँ नहीं नहीं, हाँ लड़के वालों को लाइट नहीं, 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 नहीं। लड़की वालों को भी लाइट नहीं लेना है? अच्छा नहीं, हमें अभी तक तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा। सारे लड़की वाले उनको क्या लाइट है? अच्छा सारे तो नहीं है। अच्छा भैया सबसे पहले रस्में शुरू करते हैं, ठीक है? रस्में हिना है और इन दोनों की रस्में हिना है, साजिद भाई की और आसिया बहन की, प्यारी सी हमारी बेटी आसिया की। और मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आसिया की नानी माँ, अस्सलाम वालेकुम नानी अम्मा जी, क्या हाल है आपका? माइक में बात करें, माइक में बात करें, कैसी है आपकी? सुना आसिया बता रही थी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? अपनी नवासी की आपस में आई है शादी में, रस्में हिना में है, चले आए। फिर पहले मैं चाहूंगी कि आप लगाएं मेहंदी, फिर अम्मा लगाएं, फिर सासू माँ लगाएं और फिर हम लोग लगा के फिर शगुन करके तो फिर हम शुरू करें सारे मामला, ठीक है? आए दुआ भी दें उसको और मेहंदी भी लगाएं। वैसे कितने खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी नानी उनको मेहंदी लगा रही होती है। चलिए बैठो। फरा जी मेहंदी तो अब लग रही है। हाँ मेहंदी लाने वाली चमची तो ले लो। नानी में बैठे आप, बैठ के तेल मेहंदी लगाएं दोनों को जैसे आप लगाती हैं। क्या लगाएंगी पहले? आओ ना यार लड़कियों, मेहंदी ले, मेहंदी उठाए, ले ले ने मेहंदी ले, उठा ले। नहीं नहीं वो चुकी भी है, आप यूं कर ले, आप यहाँ से उठाएं, हाथ से उसके हाथ पे लगाएं। ओहो पहले ये मेहंदी पकड़े, एक हाथ से मेहंदी लगाएं, एक हाथ से मेहंदी लगाएं, हाथ हाथ बाहर छोड़े छोड़े, एक हाथ बाहर। अभी ये अब हाथ पे एक सेकंड हाथ पे रखना भी तो है, कुछ पत्ता है कोई? नानी अम्मा ने मुझे लगता है इससे पहले कभी कोई मेहंदी नहीं लगाई है। नानी अम्मा लगाई है मेहंदी कभी? गई है रस्मों में? ये ले चलो जी, बस वो तो दुआएं ज्यादा फोकस है। हाँ अच्छा लड़के को भी कुछ करना है ना, लड़के की भी बेचारी की आज मेहंदी है, उसको तेल लगाए। नहीं उसके हाथ, उसको मेहंदी नहीं लगानी, उसको तेल लगाना। इधर 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 तेल ले। हाँ जी चल आ जाए, चल लड़के को लड़के चले। वेरी गुड, क्लैपिंग क्या बात है, ये पकड़ेगा। अब मुंह मीठा कराएं और दुआ दें जो भी आपने देनी है। अच्छा आसिया आपकी क्या लगती है? नवासी। और साजिद भाई? वो भी नवासा ही लगता है। तो किसकी शादी की ज्यादा खुशी है, आसिया की या साजिद की? दोनों की। नहीं कोई एक, कोई एक फेवरेट दोनों में से ज्यादा होगा ना? नहीं फेवरेट होना वो भी साडा नवासा है। हाँ दोनों की खुशी बहुत आसान है, दोनों की खुशी बहुत आसान। चलिए ठीक है, मुंह मीठा कराए। चलिए आसिया बहुत बहुत मुबारक हो। आए रस्म करें, आप आए समीना, आए ना बेटी को मेहंदी लगाए। आजे आजे जल्दी से आजे, आप भी आजे आजे आजे। शर्मा किस बात से रहे, ऐसे लग रहा है जैसे आसिया की मेहंदी नहीं जाके बैठ जाए, इनकी मेहंदी। अब उनकी अम्मी बैठेंगी। अच्छा मरियम भी उसी पॉइंट पे रहे जिसमें मैं हूँ, सब लोग ऐसे शर्मा रहे जैसे मेहंदी आसिया की नहीं। आप ये मत सोचें कि आप टीवी में आ रहे हैं, आप ये सोचें कि आपकी बेटी की मेहंदी है, एग्जैक्टली। चले वेरी गुड, दुआ भी देना उसको। आमीन। आपने हमें नहीं पता चला कौन सी दुआ दी है। चलिए मैं तेल ले, तेल आपने लगाना है सारे, तेल लगाना है। चले जी मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। आदे थैंक यू। आदे सासू माँ आप लगाइए, आप लगाएं अपनी होने वाली बहू को। सास बहुत ज्यादा शर्मा रही हैं। अच्छा ये सासू जी हैं? हाँ ये सासू जी हैं, ये शर्मा रही है बाद में जो है। अच्छा बाद में क्या होगा? बाद चो देखो रोई होंदा सुती पी तक चाह पे आई नहीं। मेहंदी लगाएं
मेहंदी लगाएं ताकि हम पूरा जो है ना वो सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू करें। आप खुश है ना आसिया से? आसिया उनके भाई की बेटी है भाई, बहुत प्यार की बेटी है। शादी के बाद भी बेटी ही समझ के लगना है ये? नहीं नहीं नहीं, इसमें हाँ शादी के बाद भी बेटी ही समझ के इसी तरह मोहब्बत करनी है जैसे आप इसको पहले बचपन से करती आई। बेटे को भी लिफ्ट करा दें थोड़ी सी, बेटे को नहीं लगाना तेल, बेटे के सर पे जरा तेल लगा दें। ज्यादा लाओ मुंडे नु संगालना पै जाए। नहीं नहीं, लड़का हमारा बहुत प्यारा है माशाल्लाह, और आप लड़के वाले हैं भूले नहीं। हाँ हाँ, असी तो मुंडे वाले हैं। चले जी, मिठाई जो है वो मुंह मीठा कराएंगे साजिद भाई आपका। इससे कहते हैं कि वो होता है थोड़ा सा क्या, प्यार बढ़ता है मोहब्बत एक दूसरे का। फाइनली हमने इनकी रस्में हिला जो है, इधर इधर। अच्छा, उसके बाद मैं आपको खिला दूंगी। सानू भी दियो बर्फी, सानू शुगर है दोनों। अब आप लोग उठे और उठ के आप लोग वो करना शुरू करें। ठीक है, सो अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, बहुत सा जिसे कहते हैं जिंदगी में खुशियां सुकून देखना नसीब करे। ये मेरा भाई ढोल वाला जब से आया ना, ये उस वक्त से नोट दिखा के इशारे करी जा रहा है, कुछ हाँ। करो कुछ कुछ करो, बस ये ना नोट का इशारा करते जा रहे हैं। नहीं उन्हें पता भी करो ना, पैसे ही नहीं के थैले जो बिल्ली छड़न आया है। अच्छा नताशा, यहाँ तक तो होगी बातें बातें, चल गया बातों से काम। लेकिन साहिबा उबैदुल्ला भी है, इतने खूबसूरत ड्रेसेस उनके हमने पहने हुए हैं। तो एक तो मैं चाहूंगी कि हम ड्रेसेस अपने जो है वो सब आप देख सकें गौर से, कि अगर आपने भी मेहंदी पे जाना है और इस तरह के ड्रेसेस पहने हैं तो क्या होगा। और जब आप वापस आए तो कोई और बात ना करें, सिर्फ लड़की वालों को हम गौर से देखें कि इनकी कितनी तैयारी। ठीक है, तो एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर मिलेंगे। बात पहले पूरी कर ले, उसके ऊपर कमेंट कर ले। हाँ। ये नहीं, नहीं, जलसा नहीं, करना शुरू हो गया। तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन लग रहा है कपड़े तो हो रहे हैं। अच्छा साहब इतनी जेलसी। एक मिनट नताशा, लड़की वालों रस्में हिना में आए हो, किसी सियासी जलसे में नहीं आए हुए, दीवारों को धक्के दे रहे हैं, गिरा रहे हैं, है ना। नताशा आप नोटिस करिए, फरा भी बहुत ज्यादा उनकी तरफ पार्शियल हो रही है, बहुत ज्यादा। नहीं वो पहले दिन से उनकी तरफ है ना। अच्छा अच्छा, लड़के लड़के वाले की तरफ है वो, मैं लड़के वालों। फरा देखिए हमारी तरफ से हो गया, वहाँ से क्या आ रहा है, वहाँ से क्या, वहाँ से लड़का है क्या? अरे भाई क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं भाई, इधर से चिंची आ रहा है तो हम लाद के ले जाना। पहली परफॉर्मेंस यही से आई थी, बस एक ही करनी थी। क्यों नताशा आप लोगों की, मेरे पास सुनो मरियम, उस पर सब सोए हुए थे। नहीं नहीं नहीं, एक बार इन्हें जगाते हैं, इन्हें मरियम। अच्छा भाई आप लोग बताओ, तब सब सोए हुए थे या जाग रहे थे? देखो यार इनकी आवाजें भी नहीं निकल रही, वाकई सब सोए हुए थे। रोला ना ना पाई जाओ, कुछ गल भी कर लोगो, दिखाओ कुछ। चलो जी हम अभी आपको दिखाते हैं, और जो हम आपको दिखाएंगे जी जी लिख के दे दूंगी, उसका जवाब नहीं होगा। नहीं, नहीं, आप पे यकीन है, आप पे यकीन है, ये गवाह हो रहे इस चीज के, यानी कि कोर्ट से, मैं यानी कि कोर्ट शॉट फिर उतार लूं है। अभी किसने कहा था कि ये तो सियासी जलसा नहीं है, मेहंदी में आए हुए हो आप, कौन कर रहे हैं? ये तो सियासी बात नहीं थी, बिल्कुल सियासी बात नहीं थी, ये तो चैलेंज का जवाब दिया जा रहा है और पॉजिटिव वे में दिया जा रहा है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मेरी बात कर रही हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि जो आइटम हम अब पेश करेंगे लड़के वाले यानी साजिद भाई की तरफ से, उसका आपके पास लड़की वालों कोई जवाब नहीं होगा। नहीं बिल्कुल होगा, आप जरा हमें करके दिखाएं, हम देख लेते हैं, होना चाहते हैं करके दिखाएंगे, देखें। आपने तो कर दिया चैलेंज नताशा जी, अब मेरा भाई आपको सांप बन के दिखाएगा, देख ले। और सांप हम देख लेंगे, बाद आएंगे वापस। जब कैमरा ऑन हुआ है तो तब उसने मेहंदी वेहंदी लगाना छोड़कर तो मामा को देखना शुरू कर दिया, कि मैं मामा को इस वक्त से देखूं। आसिया के हाथों पे हम बहुत प्यारी सी मेहंदी लगा रहे हैं, आसिया के हाथों पे मेहंदी सज रही है, और साजिद भाई की तरफ से नताशा जी 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 आपकी एक इंतहाई कैसी परफॉर्मेंस, बहुत आला, ठीक है बहुत आला परफॉर्मेंस का जवाब आने वाला है। और ये मैं आपको बता दूं कि इसको आप मैच नहीं कर सकते। हाँ वो हमें अंदाजा हो गया, वो हमें अंदाजा हो गया, हमने पहले ही बोल दिया है। सॉन्ग सिलेक्शन मेरी है, तरफ से होने के साथ साथ हमारी तरफ से सॉन्ग सिलेक्शन मेरी है, मगर उस पर कमाल जो है वो है तशरीफ लाएंगे सोनू एंड डेंजरस। सोनू डेंजरस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
आप लोग बताओ, आसिया या साजिद? आपकी टीम जीत रही है। देखिए हमने आपके लिए कितना यहाँ पे धूम करके, कैसे लग रहा है नसरुल्ला साहब? जरा एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए गए। लेकिन एक मिनट जरा दूल्हे के वालिद और वालदा तो आए एक मिनट के लिए, मतलब जब तक आप ना आके यहाँ पे, जब तक आप भाई साहब का डांस ठीक है। वाह वाह वाह, जरा दोनों लड़का और लड़की के अम्मा अब्बा की तो सैर करवाओ हाँ, ताकि वो थोड़ा सा उनको मजा आए कि उनके बेटे की शादी है भाई, उनके बेटे की रस्में ही ना है। चले मैं क्या हाई साहब घर जाके भावे अम्मा होना ना लड़ पैण के तू मेन चाह नहीं पी मेन चिमड़ी जान दिया। अच्छा मैं एक बात कहना चाहूंगा, लड़की वालों के पास इस परफॉर्मेंस का भी कोई जवाब नहीं है, हालांकि अभी हमने अपना गुरु नहीं छोड़ा। अच्छा, इसने जुगत की है, हंसे बच्चों हाँ, हंसे क्यों? अच्छा एक सेकंड, ये इस बात पे हंसना था तकरीबन रो भी सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आपका रोने को बहुत हमारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि हम तो उसकी परफॉर्मेंस देख के बल्कि और ज्यादा फ्रेश हो गए। वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जैसे मैंने दूल्हे की जो फादर है इनके साथ डांस किया और मरियम ने किया है। लड़की वाले तो अभी मतलब लड़की वाले हाँ बैठे हुए हैं। मैंने सोचा इनको किसी ने तो डांस करवाने, मैं ही ले जाऊँ उनका। उन्होंने तो बंदा मेरे तो ही आशिक हो गया इतनी देर। अच्छा एक काम करते हैं, एक आप आपको मौका देते हैं पूरे का पूरा डांस करना, बड़ा प्यारा से कैमरे वाले मुंह करके कहो देखो आपका डांस बहुत अच्छा था। डाले आपका डांस बहुत अच्छा था पहले के बाद हो रही थी अंकल, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, मगर डांस में आप शर्मा क्यों इतना रहे थे? शर्माने की बात नहीं, वो जिंदगी में कभी डांस किया नहीं। अंकल होनी शर्मा रहे हो जाए 15 मिनट बाद कहना नया लफा मेरे लिए कैसा डाला। आपको बहुत 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 मुबारक हो, आपके बेटे की माशाल्लाह से शादी है, तो बेटे की शादी पे तो बिल्कुल बनता है ना थोड़ा बहुत खुशी मनाना, थोड़ी खुशी तो बनती है। हमी ढोल होता है, ढोल पे वाले लड़के वाले आ रहे हैं फुल एक्शन। क्या जवाब देंगे फिजा? क्या मतलब फिजा? अच्छा आवाज ही नहीं निकल रही लड़की वालों की अब तो। साजिद या आसिया? क्या आप तो कह रहे थे बड़ी तैयारी है। हाँ जी तैयारी है, हम लोग को हमारी तो तैयारी है, लेकिन आपने लड़की वालों के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च के सोनू डेनिमस को नहीं बुलाया। नहीं फर्क ये है, हमने जी नहीं, मुझे ओनली 20 रुपए में बुलाया, कैश मिल गई है। सोनू का रोला है ना, सोनू हम थोड़ी देर के लिए लड़की वालों को देते हैं, चलो ऐसे कर रहे हैं। ये देखा अच्छा एक गाना, एक हसीन लड़की, एक अपनी तरफ से जिसको मर्जी भेजो, गाना एक चलेगा, सोनू आप दोनों के साथ, मैं अपनी तरफ से बंदा भेजूंगी, बंदियां भेजूंगी, आप अपनी तरफ से भेजे। अच्छा एक गाना, कौन सा गाना चलाए? नहीं वो एक गाने पे, एक गाने पे यानी मैंने दोनों पार्टीज की तरफ से कहना पेमेंट दोनों तरफ से होगी, यानी आप समझिए आप रेलू कटा है बस इजी। ओके हम गाना एक चलाएंगे, दोनों तरफ से लोग आके परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना? देख लेंगे लड़के वाले या लड़की वाले। साजिद या आसिया? रस्में हिना साजिद और आसिया की आज, और जिसमें हम खुल के सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि इन दोनों की खुशियां जो हैं और इनके रंग हैं वो इसी तरह से खूबसूरत रहें। फैमिली वाले आसिया और साजिद खुश खुरम रहे, फैमिली वाले भी मिल रहे हैं और भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ब्रेक पहले लेंगे और फिर आप देखिएगा कि कौन जीतता है। हाँ। कभी लड़की वालों की तरफ से लड़की आएगी, कभी लड़के वालों की तरफ से। आप कह रहे थे ना, ये कह रहे थे कि सोनू की वजह से आप लोग जीत रहे हैं, तो देख लेते हैं इनमें कितना दम है। डन बिल्कुल, आप जीत नहीं सकते, हम जीत चुके हैं, जीतने नहीं देंगे साजिद भाई, ठीक है ना? खुश है ना आप? एक दफा खड़े होके गए, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ओके हम इन्हें जीतने नहीं देंगे। लेट्स स्टार्ट वन मोर चैलेंज। सोनू ने डांस कर करके मैं थक गया हूं यार। फरा एक सेकंड, अब चैलेंज कल के लिए रखते हैं। नहीं एक चैलेंज छोटा सा, एक छोटा सा एक चैलेंज है। अच्छा शहर
आइए हम सहर अपनी आपको कुछ देर के लिए देते हैं. अच्छा, ओके. और ये छोटा सा, सहर आ जाओ, थोड़ी देर के लिए सहर आप इधर चली जाएंगे. ठीक है, सहर आपके पास है, निर्मल हमारे पास है. हाँ, ये एक हम भी रखते. अब हम एक चूंकि ढोलकी है, चूंकि मतलब रस्में हिना है और उसका एक ट्रेडिशनल रंग है, अंदाज है, सो हम शुरू करेंगे. आप जवाब देंगे लेकिन विदाउट उधर भेज दी और निर्मल हमें दे दी विदाउट ब्रेक, और आपने बताना है कि आसिया या साजिद. ठीक है, चले लेट स्टार्ट. मदीद, आप सबका इस्तकबाल है. आज रस्में हिना है आसिया की और साजिद की, और ब्रेक में हमने किया था एक अंताक्षरी का मुकाबला. सो किसके साथ है आप, आसिया जिसमें हम जीत गए थे या साजिद? क्योंकि साजिद की टीम आसिया या साजिद? अब ठीक है, आई लव यू ऑल. ये क्या हुआ, क्या हुआ मेरी गैर मौजूदगी में? सच कर रही है, सच है. अच्छा, ओके, सच्ची होती तो हमारा ये हाल होता. अच्छा जी, चले बर्दाश्त नहीं होता इन लोगों से, और फरा से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, बाकी बेचारे तो फिर भी चुप. जाहिर है, लड़के वाले हम, हमसे क्यों बर्दाश्त? आप बताइए, अपनी दफा आवाम सच्ची होती तो हमारा ये हाल होता. वाह भाई, लड़की की खाला. और हम कितने लड़की की, लड़की की खाला जीत गए, कोई बात नहीं. साजिद या आसिया? साजिद. वो जाहिर है लड़की के मामू. हाँ, साजिद या आसिया? साजिद. अब लड़की की अम्मी से भी पूछ लेना. ये लड़की के मामू है, अम्मी से. अच्छा, और कौन सा रिश्तेदार आया भाई? ये कौन है, आप कौन है? आपकी खाला, लड़की की खाला, यानी लड़की की खाला. साजिद या आसिया? आसिया. और लड़के की खाला? खालिद. खालिद, हम तो निकाह साजिद के साथ. खालिद साजिद की फर्क हम साजिद की साइड लेंगे. साजिद की साइड लेंगे, वेरी गुड. और आप? मैं आसिया की. अच्छा, अब वो साइड तो आप लेंगे, मगर हम ये दोनों टीमों में से किसकी टीम? हाँ, साजिद की टीम या आसिया की टीम? खालिद. साजिद की. साजिद की किसकी टीम? आसिया. मुकाबला. चले जी, आसिया, आसिया की टीम जीत गई. मगर एक तैयारी तो ये है ना, एक दूसरी बहुत प्यारी सी तैयारी है जिसमें हमारी इतनी प्यारी सी मेहंदी लग रही है आसिया के हाथों पे. आसिया बेटे, थोड़ी देर के लिए आना, हम वापस आके मेहंदी लगाते हैं. अक्सा, बहुत प्यारी मेहंदी लगाई, इतना खूबसूरत मेहंदी जो है वो लगा रही है अक्सा. और ये खराब नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होगी. ये ऐसे करके दिखाओ ना आसिया, अपने हाथों को यूं करके. सो आसिया के हाथों पे मेहंदी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. और हमारी दुआ है कि सुहाग की और खुशियों की मेहंदी जो है पूरा रंग लेकर आए, और हमेशा इसके हाथों पे इसी तरह खुशियों के रंग जो है वो सजते रहे, जचते रहे. ठीक है, थैंक यू बेटे, आप बैठोगी. अच्छा जी, एंड सारा, साइमा उबैद, इज्मा सुल्तान, जिनके इज्मा का मेकअप है बहुत प्यारा सा, इज्मा आइएगा. सो ये सब जो मेकअप है, जो सब लोग तैयार हुए हैं, इज्मा का खूबसूरत मेकअप है. इज्मा, थैंक यू सो मच. थैंक यू सारा. आयना, साइमा, साइमा उबैद का था बहुत खूबसूरत सा ड्रेसेस वार्डरोब, जिसमें के दुल्हन का भी ड्रेसेस जो साइमा ने दिए. साइमा, किसका ड्रेस आपको सबसे अच्छा लगा, जिसने सबसे अच्छा कैरी किया? नताशा ने, ऑब्वियसली. थैंक यू सो मच नताशा, ऑलवेज विनर. अच्छा, मैंने नीलोफर का पहना हुआ है, मैंने नीलोफर शाहिद का पहना है, लेकिन ये सब ड्रेसेस जो है बहुत खूबसूरत. एवरीबॉडी इज लुकिंग गॉर्जियस. थैंक यू, थैंक यू साइमा, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. कैसे आप दिन ब दिन जो है ना, हम आपके बिग टाइम फैन होते जा रही है. जो खूबसूरत सा सेट लगा हुआ, इतना प्यारा एनवायरमेंट, इतना प्यारा जो है. एन्चेंटेड मोमेंट्स. जी, एन्चेंटेड मोमेंट्स, एन्चेंटेड मोमेंट्स. आपने वाकई इसको ना आज, मैंने मेहंदी का थीम आपने शायद नोट किया, और डिफरेंट है. यूजुअली जो है लोग गेंदा यूज करते हैं. अगर पांच इवेंट्स होना जैसे हमारे थे, ढोलकी, संगीत, मेहंदी, बारात, वलीमा, ऑलवेज सजेस्ट माई क्लाइंट्स टू गो फॉर द मॉडर्न थीम्स ऑन मेहंदी. अगर पांच इवेंट्स हैं, ठीक है, पहले में आप ट्रेडिशनल रखें और उसके बाद आप मॉडर्न में लेके. और आज मॉडर्न में, आज मॉडर्न. वाह कैसर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. कल
कल हम देखेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, मजीद और आपसे लेंगे इजाजत। मैंने कहा फराह जी सेट दिन ब दिन खूबसूरत करते जा रहे हैं, जी लाओ जो मुंह तो देने। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल आपसे मुलाकात होगी बारात के इवेंट के साथ हमारी, और जाते जाते एक खूबसूरत सी परफॉर्मेंस अभी और बाकी रहेगी। अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।